आइसबर्ग लेटस उगाना सीखेंगे। कितने साइज के ग्रो बैग में लगाना है, कितने कितने बीज लगाने हैं, कितनी डेप्थ पे लगाने हैं, कितने कितने फासले पर बीज लगाने हैं, क्यों लगाने हैं। कि बच्चों बर्गर खाएं आप, लेकिन उसके अंदर जो लेटस उगाना है ना, वो आप अपने घर में ग्रो करके खाएं। कितने दिन में ये उगेगा बीज, कितने दिन में तैयार होगा, और इसकी कुछ डिशेज़ के ऊपर भी बात करते हैं कि छोटे छोटे बेबी प्लांट्स झुलस जाएंगे और फोत हो जाएंगे, लिहाजा जल्दबाजी आपने नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम आइसबर्ग लेटस उगाना सीखेंगे। ये एक लेटस की वैरायटी है, यानी कि सलाद पत्ता, जिसको आइसबर्ग कहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि 20th सेंचुरी में इसको एक से दूसरी जगह ट्रेन से जब ट्रांसपोर्ट करते थे तो आइस फिल्ड कंटेनर्स में करते थे, और इस वजह से इसको आइसबर्ग लेटस कहते हैं। खैर, और भी रीज़न हो सकती है, विजुअली भी थोड़ा सा वो आईसी से लगता है। आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि इसको आइसबर्ग लेटस क्यों कहते हैं, इस लेटस को। ओके, आज 5 अक्टूबर 2024 है और इस वक्त टेम्परेचर है जी 32 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर का। आप देख रहे हैं कि हल्की सी धूप है, लेकिन इस साइड से बादल आ रहे हैं और थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही है बादलों की, तो मौसम अच्छा होने जा रहा है। लेकिन आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड था। टेम्परेचर बताने का मकसद ये होता है कि मौसम सरमा की सब्जियों के बीज जब हम ग्रो करते हैं तो हमें पिछले 2-3 सालों में इन दिनों में 30 से बहुत नीचे आ जाता था और मौसम बहुत अच्छा हो जाता था। तो हम अक्सर कहते थे कि लेट हो गए, लेकिन इस बार ऐसे लेट हुए हैं कि अभी मौसम स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर चीज़ जो है वो लेट है, फसलें भी इसी तरह, लोग परेशान हैं। तो आपने टेम्परेचर की रेंज जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको जहन में रखना, उससे पहले नहीं लगाना। ये वाला जो लेटस है, आइसबर्ग लेटस, ये प्योरली सर्दियों की सब्जी है, वेजिटेबल है, और इसको ग्रो करने के लिए आपने टेम्परेचर का इंतज़ार थोड़ा और करना है। आइडियली 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको उगाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 26 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे जाएगा तो तब आपने इसको बीज लगाने हैं। इसके जो पत्ते होते हैं बड़े क्रिस्पी होते हैं, बच्चे जो फास्ट फूड खाते हैं वो बर्गर्स में स्पेशली इसको आप डाल के खाते हैं। इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं गूगल कर रहा था तो उसमें लिखा था कि इवन शकरकंदी और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम हाई न्यूट्रेंट बोलते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रेंट्स की कंसंट्रेशन होती है और ये उनसे कहीं ज़्यादा रिच है इन न्यूट्रेंट्स। तो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं मज़ीद। और इसको लगाने का तरीका आलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि हमने लेटस, ग्रीन लेटस को लगाने का तरीका सीखा था। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितने साइज़ के ग्रो बैग में लगाना है, कितने कितने बीज लगाने हैं, कितनी डेप्थ पे लगाने हैं, कितने कितने फासले पर बीज लगाने हैं, क्यों लगाने हैं। लेकिन टेम्परेचर को आपने ज़हन में रखना है कि 26 डिग्री जब हो जाएगा टेम्परेचर, तो उस वक्त आपने इसको बीज को उगाना है। बाकी बातें करते हैं क्लोज़अप के बाद, और फिर मैं आपको बताता हूँ कितने दिन में ये उगेगा बीज, कितने दिन में तैयार होगा, और इसकी कुछ डिशेस के ऊपर भी बात करते हैं। जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ, ये आइसबर्ग का पैकेट है सीड्स का, greengardens.pk का। आप इसको greengardens.pk पे ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसको पहले आपने उल्टा करके हल्का सा करना है क्योंकि इसके अंदर छोटा पैक है, और इसको नीचे से खोलना है नफासत के साथ, क्योंकि हम इस एनवेलप को एज ए प्लांट टैग यूज़ करेंगे। और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताने वाला हूँ। इसके अंदर से एक छोटा पैक निकलेगा जिसके ऊपर हैप्पी गार्डनिंग लिखा हुआ है जनाब। अभी हम इसको सीड को डालेंगे। मैं अभी आपको क्लोज़अप दिखाता हूँ कि इसके सीड्स कैसे होते हैं। लें जी, इसके सीड्स हल्के से आइसबर्ग जो लेटस होता है, ग्रीन लेटस, उसके थोड़े से ब्राउनिश होते हैं और इसके थोड़े से ब्लैकिश ब्राउन है, ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ठीक है जी। और ये F1 क्वालिटी है, बहुत अच्छे सीड्स हैं। अच्छा जी, अभी आप जिस तरह सीड देखें, इसके बड़े लाइट वेट और बारीक बारीक से सीड्स हैं। और उसके बाद जनाब हमने इसको लगाना कैसे है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताऊँगा मिट्टी के बारे में। अच्छा जी, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये 12x12 इंच का ग्रो बैग है और इसकी मिट्टी आपको बेहतरीन नरम, रिच, सॉफ्ट, वेल ड्रेनिंग, ज़बरदस्त लग रही है। हल्का सा ब्लैकिश इसका शेड है। इसको ये मिट्टी वत्तर में है, यानी कि नम है। इसको कल रात को हमने पानी से भरा था ग्रो बैग को, और मिट्टी हमने नरम करके इसको हमने ऊपर से अभी गोडी करके दोबारा से
लेवल कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, एक तो आप ये जहन में रखें कि अगर आप आइसबर्ग उगा रहे हैं तो वो जिस तरह बंद गोभी का बड़ा सारा फूल होता है, इसका भी काफ़ी हेल्दी साइज़ का फूल बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर टोटल 1, 2 और 3, इस ग्रो बैग के अंदर 3 इसके पौधे अच्छे ग्रो करेंगे। अच्छे ग्रो करने का मतलब ये है कि पूरा ज़बरदस्त उसको स्पेस मिलेगी फलने फूलने की और बड़ा होने की। और अगर इससे छोटा होगा ग्रो बैग 10 बाई 11 इंच का, तो उसके अंदर टोटल 1 पौधा, और 8 इंच का जो ग्रो बैग है उसके अंदर भी 1 पौधा आइडियली चल सकता है। तो ये वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें हम ट्राई करेंगे कि 4 कर लें, 2, 3, 4, ताकि वो अच्छे हेल्दी बने। अगर बहुत ज़्यादा करीब करीब लगाएंगे तो हमें अच्छी उसकी हार्वेस्ट नहीं मिलेगी, उसका फूल या जो इसका साइज़ है वो छोटा रह जाएगा, और साइज छोटा होगा तो उसकी वो वाली फील रिचनेस जो है वो नहीं आपको मिल सकती जो हमें चाहिए होती है। ठीक है जी। एक तो एक ग्रो बैग का साइज़ है, दूसरा अगर आप 24 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाना चाहें तो उसमें आप इसी तरह एक एक फुट के फासले पर कोशिश करें कि एक पौधे को लगाएं ताकि इसकी डेवलपमेंट अच्छी हो। इसके बारे में ये भी कहते हैं कि जी आप इसको लगाएं पनीरी बना के, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पनीरी बनाना ज़रूरी नहीं है। बीज आपने लेना है, आपने 4 निशान लगा लेने हैं और ये आधे इंच से थोड़े से कम, ओके, और 2 से 3 बीज आपने पकड़ के एक सुराख के अंदर डाल देने हैं, और बस बस 4 से ज़्यादा किसी भी सूरत में बीज आपने एक सुराख में नहीं डालने। इसको ऊपर से जनाब आपने करना है कवर। कवर करने के बाद एक और थोड़ा सा काम करना है, और वो ये करना है कि इसी तरह की मिट्टी या वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर आपने उसके ऊपर थोड़ी सी लेयर डाल देनी है, और ताकि बीज की जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत ऊपर भी ना रह जाए। अगर बीज ऊपर रह जाएगा तो उसका नुकसान ये होता है कि पानी लगाने से बीज, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, वो तैर के ऊपर आ जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो एक तो लेट जर्मिनेट होगा और दूसरा अगर हो भी जाएगा तो हो सकता है ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अभी हम इसको लगाएंगे जनाब पानी। पानी लगाने के बाद टैग लगाएंगे और फिर मैं आपको इसके बारे में 3-4 बहुत ज़रूरी बातें बताता हूँ। अच्छा जी, जब पानी लगाना है तो आपने एहतियात करनी है कि ऐसी चीज़ से लगाना है जिसके आगे ये शावर हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तेज़ धार पानी नहीं लगे इसको किसी ऐसे बर्तन से। इसको पानी, चूँकि पहले मैंने आपको बताया कि ये मिट्टी बिल्कुल नम है, बत्तर में है, लेकिन ऊपर से एक पानी की अच्छी जो है ना लेयर, वो हम इसलिए डालेंगे ताकि बीज और मिट्टी आपस में मिलाप हो जाए और इसके अंदर कोई एयर पॉकेट्स हैं तो वो ख़त्म हो जाए, तो तसल्ली हो जाए। अभी हम लगाएंगे जनाब इसको टैग, और टैग क्यों लगाना ज़रूरी है ये भी आपको बताता हूँ, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अभी बाद में करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको शुरू में बताया कि इस एनवेलप को आपने नीचे से काटना है ताकि आप सीधा इसका टैग बना सकें, और इसको आपने कोई चॉप स्टिक, बारबेक्यू स्टिक या कोई भी एक खुश्क टहनी ले लें, और उसके बाद उसको डालें इधर, और यहाँ पर आप लिखेंगे डेट। आज की डेट है जी 5 अक्टूबर 2024, और डेट लिखने के बाद आप इसको यहाँ पर टैग कर देंगे। अभी आपको एग्जैक्टली पता है कि जी किस कंपनी का सीड है, किस दिन लगाया है, जर्मिनेट अच्छा होगा तो तब भी आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप कंप्लेंट करने के काबिल हो जाएंगे। ये हो गया जी इसका प्रोसीजर पक्का। अच्छा जी, आपने देखा कितना आसान तरीका है इसको लगाने का। अभी 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बीज लगा दिया है, मिट्टी को आपने नम रखना है, पानी दोबारा तब देना है जब मिट्टी खुश्क होने लगे। अगर नमी ख़त्म हो जाएगी, खुश्की आ जाएगी, तो बीज की जर्मिनेशन किसी भी बीज की रुक जाती होती है। यू हैव टू मेक श्योर कि इसको पानी तब देना है जब इसको पानी खुश्क होने लगे मिट्टी, यानी कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी, और दोबारा तब तब पानी देना है जब इसकी मिट्टी खुश्क होने लगेगी। ये ओवरऑल रूल है पानी लगाने का, और अच्छी तरह तसल्ली से पानी लगाना है ताकि सारी मिट्टी गीली हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, इसको आपने रखना है जनाब सेमी शेड में। सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट अगर इसको मिले, इवनिंग की ना मिले, तो ये प्लांट बहुत खुश रहता है, क्योंकि सर्दियों में लगता है। अगर आप इसको फुल सनलाइट में भी रखेंगे तो ये बेहतरीन चल सकता है, लेकिन मॉर्निंग की सनलाइट ज़रूरी है। पार्शल शेड में भी चलता है और फुल सनलाइट में भी चलता है। जब हम कहते हैं पार्शल,
इसका मतलब है 4 से 6 घंटे मिनिमम, और जब हम कहते हैं फुल सनलाइट तो मिनिमम 8 घंटे। अगर कम्प्लीटली ऐसी जगह जहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आती है, उग जाएगा, छोटा रहेगा, साइज छोटा होगा, पत्ते इसके उस तरह क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक हो गया, आज बीज लगाए हैं तो ये 7 से 10 दिन में जर्मिनेट कर जाएंगे, अगर टेम्परेचर की रेंज जो मैंने आपको 26 बताई है उस पे आपने लगाया है। पहले लगाया है तो फिर भी ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स झुलस जाएंगे और फोत हो जाएंगे, लिहाजा जल्दबाजी आपने नहीं करनी। 7 से 10 दिन में जर्मिनेट करेगा और तैयार कब होगा, आज लगाया है तो ये 8 से 12 हफ्ते में तैयार होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर, मिट्टी, सीड की वैरायटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स के। आपने जहन में ये रखना है कि 8 से 12 हफ्तों में, यानी कि 2 से 3 महीनों में ये तैयार होगा। जब तैयार होगा तो इसका साइज़ तकरीबन इतना होगा जिस तरह बंद गोभी हेल्दी साइज़ होती है, लेकिन ये अंदर से हॉलो होता है, क्रिस्प। जब इसको ऐसे पकड़ के दबाएं तो अच्छी भली क्रिस्प की आवाज़ आती है, और आप इसको काट के अपने सैलड में यूज़ करें, आप इसको कच्चा भी खाएं तो इसका टेस्ट बहुत ही एक्सेप्टेबल और स्वीटी टेस्ट होता है, मज़ेदार। सैलड्स के अंदर आप इसको रॉ फॉर्म में खाते हैं, सोते करके इसको यूज़ करते हैं, बर्गर्स के अंदर जो सैंडविच है उसके अंदर आप यूज़ करते हैं, तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा दें। अब चूंकि ये लीफ वेजिटेबल है, पत्तों वाली सब्ज़ी है, तो हमें इस चीज़ को कोशिश करनी चाहिए घर में उगाएं, क्योंकि जो पत्तों वाली सब्ज़ी खेत से आपके घर तक पहुंचती है उसका हाइजीन, उसका जो ट्रैवलिंग प्रोसेस है आपके घर तक पहुंचने का, वो कोई बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है। तो अनहाइजीनिक प्रोसेस से पत्तों वाली सब्ज़ी आएगी, आप धो के उसको यूज़ करेंगे तो उसके मुकाबले में ये मैनी टाइम्स बेटर है। तो फ्रेश टेस्ट, क्रिस्प, ताज़ी, घर से काट के आप उसको यूज़ करेंगे तो यू आर गोइंग टू लव दिस। बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है कि बच्चों बर्गर खाएं आप, लेकिन उसके अंदर जो लेटस उगाना है ना, वो आप अपने घर में ग्रो करके खाएं। अगर बच्चे अपना नाम लेके मुझे मैसेज करके ऑर्डर करेंगे तो किड्स के लिए जो बर्गर के अंदर खुद उगा के यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगी आपको greengardens.pk पे, लेकिन एक शर्त पे आपको मिलेगी कि आप कल को उगा के और ये वाला लेटस, आइसबर्ग लेटस, अपने बर्गर में यूज़ करके आप उसको खाएंगे, बाजार वाला नहीं खाएंगे। ठीक है, घर में सब्जियां ज़रूर ग्रो करें। इसके बारे में कोई और आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। शुरू में आपको एक सवाल पूछा था कि इसको आइसबर्ग लेटस क्यों कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिसका सबसे इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल रिप्लाई होगा उसको इसका एक पैकेट में ज़रूर भिजवाऊंगा एज ए गिफ्ट। बाय द वे, याद आया कि हम हमारे पास greengardens.pk पे जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उसके साथ हम वर्ल्ड्स बेस्ट कोरिएंडर सीड्स का एक पैक गिफ्ट के तौर पर ज़रूर साथ भेजते हैं। अगर आप वो एंजॉय करना चाहते हैं तो greengardens.pk पे जाके ऑर्डर कीजिए, इसको भी ऑर्डर कीजिए, और बाकी जितनी मौसम सरमा की सब्जियां, बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की सीड्स अवेलेबल हैं, यू कैन ऑर्डर नाउ। घर में सब्जियां ज़रूर ग्रो करें, ऑक्सीजन भी ग्रो कर रहे हैं, मेरा रोज़ यही मैसेज होता है, अच्छा आपका वक्त भी गुजर रहा है, हेल्दी सब्जी, बेसिकली आप हेल्थ ग्रो कर रहे हैं, सो ग्रो योर ओन हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाई ग्रोइंग योर ओन वेजिटेबल्स एट होम। अपना ख्याल रखिए, हैप्पी गार्डनिंग।